हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो ताड़पत्री का हमारा आज दूसरा दिन है। पिछले व्लॉग में देखा था तुमने, हम लोग अलाइनमेंट करके टायर वायर सब पाउडर मार के साइड पल्टी करके गाड़ी ओके कर दिए थे। और अभी सुबह के 7 बज रहे और लेबर आ गए, हमारी गाड़ी लोडिंग को लगा दिए और लोड हमारा कन्फर्म हुआ है केज का, भीड़ से जो लातूर रोड होता है अंबाजोगाई से पहले। तो गाड़ी अभी जस्ट लेबर आई और हमने लोडिंग को लगाया, सबके पीछे लोडिंग भी हो रही है, देखते कितना टाइम लगता है। टाइम तो मतलब दो ढाई बज जाएंगे, क्यों तो 4-5 फैक्ट्री में गाड़ी घूम के भरना पड़ती है। देखते हैं पीछे जाके लेबर कैसे जल्दी भरने वाले हैं या लेट कर देंगे। कितना फैक्ट्री भाई? कितना फैक्ट्री? 4। तो अभी बज रहे सुबह के 10 और गाड़ी मतलब 3 फैक्ट्री हम लोग अभी तक घूम चुके हैं, मतलब यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा, ऐसे 3 फैक्ट्री अभी तक आए और अभी 2-3 फैक्ट्री घूमना है। तो देखते हैं, अभी सुफियान भर रहा है पानी ट्यूब में, जो बहुत दिन से खाली था। तो अभी करते हैं इसको फुल। सुफियान उधर गया पानी लाने, देखते हैं गाड़ी भी कितना लोड हुआ है अभी तक। गाड़ी भरते तो 3-3.5 या 4 भी भर सकते, बहुत बड़ी बाकी है अभी भरना। अभी भरते हम लोग ट्यूब, करते ट्यूब साफ पहले और उसके बाद भरते उसके अंदर पानी और देखते हैं फिर बाद में कौन सी बैटरी जाना है अपनों को। उसका मुंह खोलना नहीं। वो सारे लोग कमेंट करते कि ये पानी क्यों भरते है, किस लिए रहता है। तो ये पानी मुँह हाथ धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए हम लोग पानी भरते। मतलब पुराने गाड़ियों में ये सिस्टम था और नांदेड़ के गाड़ियों में कंपलसरी ये सिस्टम सब गाड़ियों में रहता है। हम नांदेड़ गए थे तब हमने, शफीक भाई ने बना के दिए थे तब हम लोग ने ये बिठाए थे, तब से चालू थे ये ट्यूब को तकरीबन 4 साल के ऊपर है, 4 साल के ऊपर हो गए ट्यूब को। ट्यूब भी दूसरा बनाना है, अभी भरते हैं ट्यूब, अभी उसको धोना चालू है, साफ सफाई करते हैं और उसके बाद उसके अंदर पानी भरते हैं। देख सकते कितनी तेज है ये, आंध्रा की गर्मी बर्दाश्त के बाहर है, बहुत खतरनाक गर्मी। देखो नहीं हो रही क्या गर्मी? कहाँ हो रही बता, थोड़े पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा तेरा, यहाँ देख कितनी गर्मी हो रही मेरे को। तो होते हैं फ्रेश, मुँह पोत हो के अभी और फिर चलते हैं गाड़ी में। दोस्तों अभी बज रहे शाम के 3:30 और सुबह से हम लोग गाड़ी भर रहे, अभी तक गाड़ी भरी नहीं, थोड़ा सा बाकी है, देखते हैं कितना टाइम लगता अब। कितना टाइम लगता भाई? और कितना टाइम लगता? हाफ आवर।
एक सफी बाकी है आधी। आधे घंटे में हमारी गाड़ी फाइनल हो जाएंगी, तो फिर चलते हैं काटा वाटा करके पार्किंग में जाएंगे। पार्किंग में मोहसिन भाई भी रास्ता देख रहे हैं, उनकी भी गाड़ी भर के आ गई, तो उनकी गाड़ी तो एक बजे भर के आ गई, लेकिन हम लोग मतलब लेबर थोड़ा टाइम लगा रहे, तो आधे घंटे में पौन घंटे में जैसी भी हो जाएगा काटा वाटा करके फिर हम लोग चलेंगे पार्किंग में। दोस्तों अभी बज रहे 4:15 और गाड़ी हो गई भर के हमारी कंप्लीट, और अभी चलते हैं काटे पे, काटा वाटा करके फिर पार्किंग में जाते हैं, देखते हैं वजन कितना आया आपको। दोस्तों हम लोग गाड़ी भर के पार्किंग में आ गए, एक साथ मोहसिन भाई की गाड़ी भी भर के खड़ी, और इधर दूसरी 786 है जो हमारे साथ में रहने वाली है रात में, और इधर अपनी गाड़ी है। तो अभी डालते बट्टे बट्टे और करते पीछे से पैक इसको, और फिर लगाते साइड में शोभी भी, शोपे भी पानी मारते थोड़ा सा, शो भी धो के ले लें। और तो दोस्तों अभी बज रहे रात के 10 और हम लोग जो है 5-6 बजे फ्रेश होकर जो बैठे बाद में खाना वाना खा के भी आ गए, तो अभी ये बिंदी आ गए हमारी, और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम लोग निकलने के लिए, अभी जस्ट 11:30 बज रहे हम लोग निकल गए। मोहसिन भाई भी साथ में है और निशांत भाई वाली भी गाड़ी साथ में है, एक गाड़ी आगे है और एक गाड़ी पीछे है, हम लोग बीच में चल रहे हैं, तो नए गाड़ा साथ में है, चलते हैं अभी ये गाड़ा गुलमार्ग तक साथ में रहेंगे, वहाँ से हम लोग अकेले लेंगे, चलते हैं अभी देखते हैं आगे जहाँ रुक सकते हैं, फिर अपडेट चालू रहेंगे हम। तो अभी बज रहे रात के 3:30 और हम लोग जो है रायचूर से पहले चाय पीने के लिए रुके थे, मोहसिन भाई पीछे है आए नहीं अभी तक, तो करते मोहसिन भाई का वेट, चाय वाय पीते, तब तक टायर वायर भी चेक किया मैंने, टायर वायर भी सब सही है, अभी करते हैं उनका वेट, आएंगे फिर चाय पी के निकलते हैं हम लोग। हम लोग चाय वाय पी के निकल गए, मोहसिन भाई सो रहे, सबरेज गाड़ी चला रहा, इधर मोहसिन भाई की गाड़ी, इधर इरशाद भाई वाली गाड़ी, और इधर अपनी गाड़ी, तो अभी करते ड्यूटी चेंज, क्यों तो अभी बज रहे 4 और रायचूर के हम लोग अभी पहले 6, रायचूर पास भी नहीं हुआ, क्यों तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम लोग, तो चलते हैं। पत्थर है एक तो गाड़ी में, टायर भी ऐसे गर्म होते हैं पत्थर से, देखे तुमने हमेशा भी पत्थर भरे तो हमारे टायर कहीं ना कहीं एक ना एक टायर फटा, पंचर हुआ, कुछ ना कुछ हुआ, तो देखते हैं अभी दिन में चलने की तो कुछ गुंजाइश है नहीं, क्यों तो धूप ऐसी पड़ रही, देखते हैं अभी रायचूर गुलबर्गा, गुलबर्गे तो जाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे, चलते चलो आराम आराम से, इनको आगे चलन दो तुम पीछे चलो। तो दोस्तों जैसे ही मैं सुबह 7 बजे उठा, सुफियान ने मेरे हाथ में पर्ची दे दिया 500 की, पुलिस वाले ने दे दिए सुफियान को, और उसके बाद जैसे हम लोग रुके चाय पीने के लिए, तो देख सकते हैं हमारा टायर जो है पंचर था। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और हम लोग ने अभी तक नाश्ता भी नहीं करे और चाय भी नहीं पिए, तो अभी करते हैं टायर चेंज, स्टेपनी लगाते उसको, आगे जहाँ रुकेंगे, यहाँ तो कोई पंचर की दुकान है नहीं, जैसे आगे रुकेंगे तो स्टेपनी जो है अभी लगा के जो पंचर टायर है उसको बना के ले दे, और जैसे आगे रुकेंगे तो फिर उसका पंचर निकाल के वापस से उसको लगा देंगे। तो अभी खोलते टायर, धूप देख सकते हैं और टायर इतने गर्म है और डिक्स बहुत ज़्यादा गर्म है, इतने धूप में टायर चेंज करने का बोले ना बहुत परेशानी है, तो अभी करते टायर वायर चेंज, पीते चाय वाय और फिर यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों हम जो है इतने धूप में टायर खोल रहे, इतने चटके बैठ रहे, हाथ ऐसे लाल हो गए, इतने विल गर्म है,
और मेरी उंगली भी पड़ गई। देख सकते कितनी धूप है और टायर इतने धूप में पंचर हो गया हमारा, क्या बोलूं अब तुमको। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग पंचर निकाले तो नहीं हमने, लेकिन स्टेपनी डाल के हम लोग निकल गए। देखते हैं जैसे आगे पंचर की दुकान जहाँ भी अच्छी दिखेगी तो वहाँ पे पंचर निकाल के वापस से वो टायर जाके वहाँ फिट करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं यहाँ से। अभी सब जो हम लोग जवर की पास करके आगे है तो चलते हैं पंचर की दुकान, देखते हैं जहाँ भी मिलेगी तो फिर उसको टायर पंचर निकाल के लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। चलने की गुंजाइश तो है नहीं, देख सकते इतने धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत धूप है और गाड़ी भी यार टायर भी ऐसे गर्म हो रहे हैं। एक तो ये बैठक लोड है जिससे टायर सबसे ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। तो अब देखते हैं जहाँ पंचर की दुकान दिखेगी वहाँ पंचर बना के फिर आगे हम लोग चलेंगे। अभी है हम लोग गुलबर्गा पे, गुलबर्गा पास करके गुलबर्गा के टोल पे है। वो धूप तो ऐसी है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं अभी स्टेपनी खोल रहे। स्टेपनी खोलते उसको मतलब पंचर बना के वापस जाके वहाँ लगा देते और जो स्टेपनी का है वापस से स्टेपनी में लेके और यहाँ पे रुकेंगे दो घंटे तो भी रुकेंगे। अभी 4, 4:30, 5 बजे यहाँ से निकलेंगे, क्यों तो टायर जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे, लिमिट नहीं इतने टायर गर्म हो रहे बहुत ज़्यादा। तो ये पत्थर भरने के बाद ये कांड होते रहते हैं हमारे साथ में, क्यों तो ये पत्थर लोड ही जैसा है, बैठक लोड रहता ना तो फिर टायर पे बहुत लोड आता और टायर गर्म होके फुट जाती। तो बना दे पंचर वंचर और स्टेपनी लगाते जहाँ के वहाँ और फिर रुकते और 4:30-5 बजे के आसपास निकलेंगे हम लोग यहाँ से। तो करते हैं टायर वायर फिट अप। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 5:00 और हम लोग जो है बहुत देर से रुके हुए थे, अब जो है तो हम लोग निकलते करते वाटर वीटर पास और महाराष्ट्र वाटर पे से, महाराष्ट्र में से वो मतलब बारिश चालू है, अगर लग गई तो बहुत ही अच्छी बात है, ठंडे पहुंच जाएंगे। तो अब चलते हैं सीधा बॉर्डर पास करते हैं, महाराष्ट्र बॉर्डर पास करना है, कर्नाटक बॉर्डर भी पास करना है, तो निकलेंगे अभी यहाँ से। तो दोस्तों अभी बज रहे 9:00 और देख सकते बारिश भी चालू है। अभी हम आए हैं नथुरू घाट में, चलते अभी घाट वाट चढ़ते हैं। बारिश बहुत चालू है इसलिए अच्छा हुआ, चेहरा बहुत गहरा हो रही थी अपने, लेकिन दिन में नहीं है, महाराष्ट्र में आने के बाद रात में बारिश चालू हो गई। हम लोग घाट चढ़ रहे थे, ट्रैवल साइड मारी हमको MP25 ट्रैवल थी, बिच्छू कंपनी की ट्रैवल थी। तो पटे ने बारिश चालू बारिश में गाड़ी रुका वाले, ये पब्लिक का प्यार है, मतलब इतने बारिश में गाड़ी रुका डाले उन्होंने, पैसेंजर गाड़ी रुकाई, हालांकि अंदर पैसेंजर बैठे हुए, पैसेंजर गाड़ी रुका के मिले बच्चे। बहुत मतलब जितना आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उतना कम है, इतना ज्यादा प्यार करते तुम लोग। तो अभी मिले, फोटो वोटो खाड़े, आप बारिश चालू थी तो वीडियो बनाने का उन्होंने बोल रहे थे वीडियो बनाने का, लेकिन वीडियो बनाने का तो लोकेशन था नहीं, क्यों तो फुल बारिश चालू थी। तो अभी फोटो वीडियो खाड़े कॉन्टेक्ट हुआ, अभी चलते हैं। नथुरू छोड़ डाले हमने, अभी तुलजापुर उस्मानाबाद
वहाँ से सब जो हम लोग अंदर घुसेंगे। अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक चल सकते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 8 और कल रात में हम लोग 1:30 बजे यहाँ पे आ गए थे और मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि आते मैं सो गया था। और सुबह जैसे उठे हम लोग तो मैं दूसरे गांव गया था कुछ काम से, सुफियान था यहाँ पे गाड़ी खाली करने, तो अभी जो है हमारी गाड़ी खाली हो गई और अभी थोड़ा सा बाकी है, 1 घंटे में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अभी करते हैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड, जो तो अब खाली करके हम लोग घर पे जाएंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग हमारा नेक्स्ट ट्रिप में स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी चलते हैं घर पे और ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें।